हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं, अगर आपको अपने फ़ोन के अंदर अपने एप्लीकेशन हाइड करने हैं तो कैसे कर सकते हैं। आपके फ़ोन के अंदर बहुत सारे ऐप्स ऐसे होते हैं जो आपको हाइड करने होती है सिक्योरिटी के कारण, जिनमें आपके एप्लीकेशन होते हैं जैसे गेम वगैरह होते हैं, उन्हें कैसे हाइड कर सकते हैं। तो चलिए गाइस आपको बताते हैं कैसे हाइड कर सकते हैं। तो आपको अपने ऐप्स हाइड करने के लिए, छुपाने के लिए, सबसे पहले अपने फ़ोन की सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाएंगे, सेटिंग में आने के बाद आपको एक ऑप्शन दो मिल जाता है प्राइवेसी, तो सिंपली आपको प्राइवेसी में जाना है। प्राइवेसी में जाने के बाद यहाँ से आपको ऑप्शन दो मिल जाता है हाइड ऐप्स। हाइड ऐप्स पे आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपने जो भी पासवर्ड सेट किया था होगा अपने ऐप लॉक पे, सिंपली इस पासवर्ड को एंटर कर देंगे। अगर आप यहाँ पहली बार जाएंगे तो अपने हिसाब से आप कोई भी अपना पासवर्ड सेट कर सकते हैं। अब आपको अपने एप्लीकेशन हाइड करने के लिए यहाँ से सारे एप्लीकेशन मिल जाते हैं जो भी आपको हाइड करने हैं, जैसे कि हम क्रोम ब्राउजर को हाइड करेंगे। हाइड करते ही आपको एक ऑप्शन दो मिल जाता है सेटिंग का, जिससे आपको अपना एक्सेस कोड सेट कर सकते हैं। तो सिंपली हम सेटिंग पर जाएंगे। सेटिंग में जाने के बाद इसका कोई एक्सेस कोड हम सेट कर देते हैं। तो सिंपली आपका एक्सेस कोड 4 अंकों का होगा, जो कि हैज से शुरू होकर हैज से एंड होगा। तो सिंपली हम हैज 5858 हैज इसे हमने सेट कर दिया और इसे हम ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद यहाँ से आपको एक्सेस कोड हेयर मिल जाता है, इसे आपको भूलना नहीं है। इसी की मदद से आप अपने एप्लीकेशन को रिकवर कर सकते हैं। इसे आपको डन कर देना है। डन करने के बाद आप अपने फ़ोन के अंदर वो एप्लीकेशन को हाइड कर सकते हैं जो भी आपको हाइड करने, जैसे हम अपने फ़ोन के अंदर फेसबुक को हाइड कर देते हैं। फेसबुक के बाद और एप्लीकेशन ले सकते हैं जो भी आपको हाइड करने हैं। तो यहाँ से आपको ऑप्शन मिल जाता है, एक हॉटस्टार को भी हमने हाइड कर दिया। 3-4 एप्लीकेशन है जो कि हमने हाइड कर दिए। तो यहाँ से हम बैक आते हैं। अब आपने जो भी एप्लीकेशन हाइड किए वो आपकी होम स्क्रीन पर आपको कहीं भी देखने के लिए नहीं मिलते हैं, जिसमें आपको फेसबुक और क्रोम ब्राउजर आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा कहीं भी, और ना ही तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलेगी। तो जो एप्लीकेशन आपने हाइड किया, अगर आपको उन्हें यूज करना हो, एक्सेस करना हो, तो कैसे करेंगे? तो उसके लिए आपको अपना डायलर ओपन कर लेना है। सबसे पहले डायलर ओपन करने के बाद डायलर में जाएंगे। अपने डायल पैड में जाने के बाद आपने जो कोड सेट किया था एक्सेस कोड, वही आपको इसमें एंटर कर देना है, जो हमने सेट किया था हैज़ 5858 हैज। जैसे ही आप इसे एंटर करेंगे और आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाता है, जो भी आपने एप्लीकेशन दिए थे सारे आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाते हैं। यहाँ से आप इन्हें यूज कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप अपने फ़ोन के अंदर अपने एप्लीकेशन को हाइड कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।